I should preserve coping by hitting you. I don't. जी दोस्तों, तो स्वागत है हमारे दूसरे व्लॉग में। तो अभी हम लोग वही डे चल रहा है जिस दिन हमने गाड़ी ली है, मतलब गाड़ी आज ही ली है लेकिन व्लॉग दूसरा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पलवल, ये आपका कौन सा था, आगरा चौक से थोड़ा सा आगे, ये अपना सिद्धांत टायर, जेके टायर सिद्धांत टायर करके कुछ है, तो अभी मिलवाएंगे, बात करेंगे। तो अभी हम लोग सोच के तो 20 के आए थे लेकिन थोड़ा घर वालों की और बात ये चल रही है कि 18 कंपनी के ही टायर रहे हैं, 17 या 18, तो 17-18 में अपना ट्राई करेंगे। और भाई क्या कहता है, चीज बन जाएगी ये बात। हाँ भाई बिल्कुल, देखते हैं ट्राई करके कैसा मैच खाता है। हाँ शूज़ हैं भाई तो पहनवा के तो ट्राई करेंगे ही, है ना भाई, अलॉय का तो। हाँ दो तीन चार अपना मतलब देखेंगे, सैंपल अपना लगवा के देखेंगे कौन सा सही लगेगा। तो चलिए फिर ज्यादा और भी वैसे ठीक नहीं रहते ना, फिर दिक्कत आती है। मैं भी पर्सनली यही सोच रहा हूँ, पिताजी भी यही कह रहे थे कि कुछ दिन चला लो, महीने दो महीने छः महीने चला लो, उसके बाद देख लेना, क्योंकि अभी नई गाड़ी है तो क्यों वारंटी अपना खराब करवाएं। तो बस ये कंपनी वाले भी दिमाग खराब करेंगे फिर बाद में। हाँ तो बस यही है, चलो करते हैं फिर, दिखवाते हैं आगे। तो ठीक है भाई, एक बात बताओ, तुम यहाँ पे आए हो तो तुमको सोच के आए हो, कोई ऑप्शन है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो भाई यही है कि जैसे हमने थार चलाई थी पलवल में, विशाल वाली चलाई थी, वही दिमाग में चल रही मेरी थीम तो। चलो मेरे भी दिमाग में, हाँ ऐसा ही कुछ लगेगी, मतलब हाँ मेरे दिमाग में भी वही है, क्योंकि मेरे मैंने जो आज तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखी थी ना, तुमने वही लगा रखी है, मैंने वही कुछ ऐसा, मुझे भी वही, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, मतलब दो तीन ऑप्शन है मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं बाकी। हाँ तो देखते हैं, बस ये अलॉय सेट हो जाए उस तरीके के तो मजा आ जाए। तो भैया अपनी इसका तो देखो मीटर ये ऐसा है, जो S11 होती है ना, S11 में ये शायद ब्लू होता है, स्काई ब्लू टाइप, और ये यहाँ पे स्टीरियो होता है टच वाला, यहाँ खाली डिब्बा है, ठीक है, दिया हुआ है, हाँ एयरबैग वगैरह होता है। चलो फिर अंदर चल रहे हैं। तो वैसे ये है इनकी वर्कशॉप जो यहाँ पे टायर फिट करते हैं, ये है 3 मंजिल है। हाँ वैसे हमें टाइम क्या हो गया, 7:30 बज गए, टाइम हमें 7:30 बज गए, वैसे रात पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ तो अलॉय का खजाना है भाई, है ना, अभी कुछ नहीं है, ये मैंने वीडियो में देखा है, ऊपर है इसमें, ऊपर है, हाँ ऊपर है, ये देखिए ये यहाँ से रास्ता ऊपर जाने का। तो मैंने देख रखी है, ये नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर है सारा मान जा रहा हूँ। ओह भाई ये तो जन्नत है, स्टॉप यहाँ पूरा, ये 1000 है भाई। ओह ये भाई यहाँ का मेरे हिसाब से 50 लाख का माल होगा, ये हमारे। अजय भाई, भाई कुछ खाया पिया हो तुमने ना? ना पेट खा लिया, खा लिया है। यो जैसा भी जिस थार की अभी बात चल रही थी ना, जिस थार की, उस थार का माल की, ये इन्हीं की थार थी जो हमने पलवल में चलाई थी भैया की। नींद आ रही है सर? ना नींद आ रही है, माल की भैया। तो ये देखो अपना भी है, अब हमने चॉइस कौन से करने हैं, चॉइस सबसे छोटे से यहाँ से शुरू हुआ है अपना, वहाँ पे ये भाई देखो सुमित भाई, तो ये सोच रहा कहीं सोने के हो जाएं सारे भाई, खजाना मिल जाए। ये है 20 इंची में, ये वाले सारे भी जितने भी हैं, मेरी पहली पसंद की है, मैंने भी आती आती वो नजर उसी पे गई मेरी, या फिर इन दोनों में से ये मैं सोच रहा था, लास्ट वाले जो है, लास्ट वाले देखो मुझे भी, मैं 20 की बात करके आया था आपसे, 20 ही डलवाने पर घर वाले जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो भाई मेरा ये है कि जो मतलब घर वालों की डिमांड ये है कि जो टायर है ना वो उसी पर है, तो अपन भैया ने सजेस्ट करा है, तो फिर आपको 17 के अलॉय देंगे, ठीक है, तो 17 के बताओ, 17 के सारा 17 ही है, ये 17 है,
आप एक ही लगाओगे जो भी कोई बंदा आ रहा है चार पांच जो सोचेगा जो कहोगे भैया दिखा देंगे। दूसरी चीज प्राइस प्राइस तो भैया बढ़िया ही है, सोच के जो आया था उससे कमी है, कंपनी वाले जो दे रहे हैं उससे ही कम है, रीजनेबल प्राइस। हाँ यही चाहिए बस और क्या। और भैया मैं ये कह रहा था जैसे व्हील बैलेंसिंग खराब हो जाती है, अलाइनमेंट खराब हो जाता है, उसका कैसे सेट करके देते हो? हम तो ओके करके देंगे आप। अच्छा, हम तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग करके देंगे। आप बताया ना नाइट्रोजन गैस के बाद, जैसे मैंने सुना है इनको इनोवेटर होने के बाद लोग कहते हैं कि आपकी गाड़ी अलाइनमेंट चार्ज जाती है, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से मतलब कितने किलोमीटर पे? 8 से 10 हज़ार किलोमीटर के बीच में। 8 से 10 हज़ार तो भैया 8-10 हज़ार पे तो सर्विस ही आ जाती गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। अलाइनमेंट 4-5 हज़ार पे करा लो, बैलेंसिंग 8 से 10 हज़ार किलोमीटर के बीच। अच्छा चलो, अब अपन पहली बार देखें, ट्राई करते हैं कैसा है। ठीक है, फिर अब आपको दिखाते हैं गाड़ी में। तो भाई अपनी गाड़ी में अब काम शुरू हो चुका है, जैक पे लग चुकी है। अभी पहले इनका ओवरलुक दिखा दो कि गाड़ी लग गया इसलिए, फिर बाद में दिखाएंगे कि अलॉय कैसे लग रहा है। तो ये भाई गाड़ी यहाँ पे, ये अलॉय एक टायर खुल भी गया है इसका, ये भाई ने खोल दिया है। तो अभी तो कुछ अजीब सी लग रही है, कोई मजेदारी है ही नहीं। और ये पीछे का टायर है, और ये हमारी सेना खड़ी हुई है पूरी। और साहब अच्छा एक चीज़ तो तुमने बढ़िया करी है कि ये सेम डे ले गया और सेम डे ही तो मिला चेंज करवा दिया। काम नहीं होता है, बुलेट में भी ऐसे ही हुआ था। ये बात तो बाद में क्या है, ऐसा होता है कि अंदर चल तो रही है यार। बड़े बूढ़े ने कही ना कि उठी पैट 8 दिन ही लगे। सही सोचना ही रह जाता है। अरे आप कहाँ चले? कुछ खाने को दिया, भूख लग रही है, कुछ खाने को लग रही है। तो तुम देखो ना टायर फाइनल कर। चलो ठीक है, देखते हैं भाई ये लग गया है यहाँ पे। ये है ये वाला और एक है ये वाला। अब इन दोनों में से कौन से फाइनल करने हैं? आगे वाले यू अगर 20 इंची होता ना, हाँ। तो 20 इंची में यू सही हो, तो 17-18 में तो यू बढ़िया। एक चीज उसमें ये भी बढ़िया है कि उसमें गैप भी है भैया, ये भी फाइनल है, ये फाइनल है। अब जैसे गारे वारे में कहीं गांव देहात में ले जा रहे हो तुम गारे में, तो ये तो दिखेगा भी ना। आ जाए वारी वारी बात है, 1 घंटे में हो जाएगा काम। भैया हमारा कुंतल आ गया भैया, सब कुंतल भाई साहब जी बचपन को यार है मेरे, लंगोटिया यार है, लंगोटिया वहां से कोसी थी, कोसी से ही आ रहा है मेरे यू, डोलती को कोठरा को आदमी है। रहते बलबल में, पर रहे बलबल में यू, उमेक सिटी में। सुनो या ब्लॉग से चोर आ जाएंगे जोर है। पहला टायर तैयार हो चुका है भाई, इस तरीके का लगेगा अब देख लो सामने। ये पहला टायर तैयार हो गया, दूसरा यहाँ पर हो रहा है, लगे पड़े भाई विदिन 1 घंटे में दे देंगे हमें हाथ में। From a place of hardship. अच्छा अलॉय लगने के बाद देखो इसकी कह रहा था मैं, इस पर रेड कलर है वो ना, ये दिख रहा है इस पे? अब जो पार्ट दिख रहा है वो, अच्छा वो अंदर वाला। इस पे हमने एक काम और कराया कि इस पे हमने पेंट कराया इसके, इस पे पहले ये ब्लैक था, अब ये येल्लो हो गया है। तो अब देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है। लगाओ भैया, शानदार, आपकी भाषा में कह सकते हैं शानदार। चोको येल्लो कलर से पहले यहाँ पर प्राइमर होता है, अब इस पे भी भैया वही तरीके से पहले प्राइमर और उसके बाद कलर होगा। अब यहाँ पे इन्होंने येल्लो पेंट स्टार्ट कर दिया है, देख रहे हो कैसा लग रहा है। पेंट में कभी मत छोड़िए, चलो भाई काला चलें, चलो पेंट पूजा कर लो, मेरा तो फास्ट है। ये फाइनल में दिखाएंगे। चलो ये हो गया भाई येल्लो, और यहाँ ये तैयार है। अब पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, ठाकुर साहब ले आए खाना पूरा। तुम तो दुकान बंद कर लाए हो, मेरे 9 दिन के और हैं गुरु। तुम्हारी किस्म बहुत बढ़िया चीज़ हो रहा है, सेंड चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मुँह में पानी आ रहा हुआ धर्रा देते। हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ। अच्छा अब तो तू मेरे के किए गई। तो भाई गाड़ी फाइनल हो गई है, अब देखते हैं हेलो कैसा। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, अब बाद बाकी अब तुम कमेंट करके बताना
कि गाड़ी में अलॉय और जो पेंट कराया वो कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये टायर एकदम कंप्लीट है और ये अगले वाला टायर है भाई, ये वाला, ठीक है। अब हम आपको उसको गाड़ी को निकलवा के दिखाते हैं कैसी लग रही है। गाड़ी को निकलवाया जाए बाहर, भैया बाहर निकालो, शानदार लग रहा है, शानदार। कैसा लग रहा है थोड़ा जी? मैं 20 इंची की सोच के आया था पर इस येलो कलर ने ना वो मजा डाल दिया भाई। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ कि 20 नहीं डले, परफेक्ट है भाई, मजा आ गया। अब देखते हैं रोड पे कैसा रहेगा। और ये जो येलो कलर डलवाया इस लड़के ने, डलवाया इसकी आइडिया दे सकता हूँ, मात्र 50,000 रूपए देने आपको। और कोई भी मिलना कहाँ पे? अजय होटल, अजय होटल नियर अलवर रेलवे ब्रिज मथुरा। वो इसी का ये, मतलब ये ओनर है उसका। तो भाई ये गाड़ी में अपना काम कंप्लीट हो चुका है, फुली सेटिस्फाइड हूँ मैं भाई, फुली। अपना अलाइनमेंट वगैरह सब हो गया था? हाँ सब कुछ हो। ये अलॉय वगैरह सब डालते हैं और अलाइनमेंट भी करते हैं, सबसे अच्छी चीज ये। मैं वैसे वॉशिंग भी करता हूँ बट वो सिस्टम बंद हो गया था, लेट आए हैं। वॉशिंग भी कराते हैं, थोड़ी गाड़ी बिल्कुल धो धा के देता है, तो फ्रेंड न्यू शोरूम फीस। आप गंदी गंदी करके लाइए, नई बना के ले जाइए, दुल्हन बना के ले जाइए। शूज अच्छे लग रहे हैं अपने? बिल्कुल धन्य हो गए हैं, प्यारे प्यारे प्यारे। सेम भाई साहब की उसमें बोले तो शानदार। ये आपकी लोकेशन कौन सी है यहाँ पे? पर ये पलवल में आगरा चौक से आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में है। जेके टायर का पूरा शोरूम है मेरा ये जी, सिद्धार्थ टायर्स का। बाकी टायर जेके के नहीं, सारी कंपनियों के अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट नंबर तो हम आपको डाल ही देंगे, दिया सारा आपने दिखा दिया। और ये लोकेशन है भैया का शोरूम है, ये वाला देख लीजिए। और हाईवे है भाई सामने, ये हाईवे है। तो भाई इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा भाई। मतलब गार्डन गार्डन हो चुका है, मतलब बता नहीं सकता हूँ, पैसा वसूल भाई, मजा आ गया, यही चाहिए था, मिल गया। तो भाई मुझे कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं और स्कॉर्पियो कैसी लग रही है। और भाई खुशी मेरे चेहरे पे आपको दिखी रही होगी। अब तो भाई की भाई की पहली गाड़ी है और वो भी जहाज ले लिया पहली। तो भाई अब थोड़ा लेट हो रहे हैं, अब चल रहे हैं घर। अब भाई इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अब हम थोड़े ऐसे वीडियोज बनाएंगे आगे। और इधर ये पुच्ची ले रहे हैं आप? From a place of hardship to a place of ease, 'cause a place of flourishing.